And the fight by ordinary folk against color prejudice is not just an isolated one. We took our social experiment to a bus stop at Sarojini Nagar in Delhi, where once again our actors are social activists. You've seen them before, Atul and Kadimbari. Rashmi here is also our actor and is listening into the conversation on how light skin is so important. Others waiting at the bus stop also listen in but say nothing. They don't intervene. बाहर से हम बड़े एडवांस बनते हैं लेकिन जब अंदर बहू को देखने जाओ तो सौ बातें बनाएंगे अरे काली लाएं पर चलो थैंक गॉड हम तो भगवान को धन्यवाद करें हमारी लड़की तो गोरी है हाँ मेरी बेटी भी गोरी है मेरा दामाद भी बड़ा गोरा है अच्छा हाँ बहुत अच्छा आपका तो काम निपट गया हाँ पर देखो सामने लड़कियाँ बस है तो बस माँ बाप के लिए बड़ा कठिन काम हो जाता है कैसे शादी होगी क्या होगा क्या नहीं होगा है ना Our actor Rashmi starts an argument. शादी होना कितना मुश्किल काम है बेटा हम तो ये बात कह रहे हैं ये भी इस बात पे हमारा वो सामने लिखा हुआ था स्ट्रॉन्गर इनसाइड और शाइन आउटसाइड वो बालों के लिए लिखा हुआ है लेकिन जनरल तो बात यही है A young lady is clearly disturbed at what she is hearing. Education तो secondary हो गई चीज. पहले तो देखे गोरी है नहीं है लड़की सुंदर है नहीं है. Now others at the bus stop begin to intervene too. तो बेटा पहचान बनाने वो कह रहे अभी तुम देखो अगर लड़की गोरी हुई सुंदर हुई फालतू में आपका सॉरी सॉरी क्या लड़की गोरी हुई सुंदर हुई बाद में आपकी लड़की को लेके अलग रहने लग जाए अलग नहीं हम पर्सनली बात चल रही बात ये चल रही थी किसी पे पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हो उसको नहीं कर रहे हम तो आपस में बात कर रहे थे हम तो ये कह रहे थे भैया काली लड़की इतनी देर से शादी नहीं होगी ये नहीं होगा वो नहीं होगा बोली जा रही है आप काला गोरा आंटी आपकी सोच है ना वो वैसी आपकी सोच है आप किसी को ये नहीं बोल सकते ना कि तो मामला खाओ तो तुम्हारा अच्छा एक बात बताओ बेटा काले तो कृष्ण जी भी काले थे इसमें कौन सी बड़ी बात है अच्छे अच्छे में ही तो कह रहे हैं नहीं आंटी ब्लो रहे हैं स्किन में उसके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि क्या बताओ उसको नहीं जी ने बोला आपको तो आपस में बात कर रहे थे ना बताएं मगर तुम तो लड़कियां हो तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि कैसे लड़के क्या क्या नहीं करते शादी तो हमने देखना ना कि हम देखेंगे कि लड़के कैसे वो हमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हम उन्हें रिजेक्ट करेंगे वो अलग बात है लेकिन काला रंग होने की वजह से रिजेक्ट करें आंटी आजकल लड़कों की सोच भी ऐसी नहीं है बहुत पुरानी सोच है बहुत पहले की सोच है ये आजकल लड़के भी कोई ऐसा नहीं देखता जब लड़की पढ़ी लिखी होगी अपने पैरों पे खड़ी होगी ना तो काली हो चाहे सांवली हो चाहे कुछ भी हो लड़का अपने अच्छा एक बात सुनो ये तो भगवान ने रंग दिया है हमने खुद थोड़ी ना बोला कि हमें काला बनाओ या हमें गोरा बनाओ नहीं नहीं बेटा है अभी भी आप नए जमाने के बच्चे हो आप लोगों तक सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी में रहते हो हम आप लोगों को लग रहा है ऐसा आप लोगों को लग रहा है कौन सी सोसाइटी में है भाई फिर आंटी बुरा लगा ना आपको देखा नहीं, बुरा लगा अच्छा है पिछली सोसाइटी पुरानी सोच है आपकी बहुत जानकार नहीं है ठीक है हम लोग बूढ़े हैं तो हमने जमाना देखा है वही तो बात है आंटी जमाना देखा तो मैं बोल रही हूं कि सोच समझ के लाओ यार मेरे रंग पे मत लाओ इसीलिए तो कह रहे हैं कि काली लड़कियों को नहीं पसंद करता कोई ऐसा नहीं है बात आंटी आपकी वही अटकी हुई है जमाने के साथ होती ना आंटी जमाने के साथ बदलते हैं अरे पूछो भैया आप काली लड़की से करते शादी ये लड़की ये लाओ क्या हो रही है अरे काली भी बुरा नहीं है और बस देख लिया सब सब उसकी क्वालिटी देखिए दिल देखना है हां सही बात है ये अच्छा दिल कैसा पता है कभी तो कह रही हूं मैं थोड़ा हो ये सब मतलब नहीं इट्स टाइम नाउ टू रिवील आवर कैमरास वी आर फ्रॉम एनडीटीवी देयर आर एक्टर्स ये हमारे एक्टर्स हैं ये कलर डिस्क्रिमिनेशन पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है आप खाओ में गरम हो रहे थे आपको क्या लगा यहां क्या चल रहा है मुझे लगा कि इसको सब टारगेट कर रहे हैं और बट ऐसा होता है राइट इन
in jobs, in life. Bilkul. It would not have been an experiment in just a normal situation. It is normal. It's very, very normal in our, you know, society. Just look on a person's qualities and its capabilities and not just the face value. In the long run, the color, the face, the looks won't matter. The only thing that matters is the inner qualities of the person. ये ना मेरे साथ खुद हुआ है कि अगर मैं एक बार अकेली थी बस में तो मेरे साथ हुआ था तो किसी ने आवाज़ नहीं दी तो मुझे बहुत बुरा लगा था तो अभी ये अकेली थी तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैंने बोला कि बाद में मुझे बुरा ना लगे कि हाँ मेरे को बोलना चाहिए था पीछे कि बाद में मैं सोचूँ कि मतलब मुझे नहीं मैंने क्यों नहीं बोला तो इसलिए मैंने बोला सबको करना चाहिए ताकि सबको खुद अंदर से अच्छा फील हो